यार कोई इंसानों वाले काम किया करो, सामने जुए पड़ गई थी है, इस पे हमने रोटियां लगाया करनी है, अंडा फ्राई करेंगे। सोद नहीं, सोद नहीं, प्लीज सोद। अस्तगफुरुल्लाह। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे। भाई कल सारी रात मैं नहीं सोया, बीच रात को तो मैं पेशाब करने वॉशरूम गया तो शीशा देख के तरा ही निकल आया था मेरा भाई। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों से वादा किया है, तुम लोगों से प्यार करते हैं तो फिर तुम लोगों का वादा तो भाई पूरा करना था ना भाई। आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच, आई किस यू सो मच। बेशक मैं छिला हुआ आलू लग रहा हूँ, चाइना से मंगाया हुआ हिटमैन लग रहा हूँ, या लो बजट जॉनी सेंस लग रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा तुम लोगों का शुक्र मिला तो भाई पूरा होना चाहिए ना भाई। बात तो सही है। एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ और बेल आइकन नहीं दबाया हुआ उन लोगों के साथ ही मैंने यही हाल कर देना भाई। निकल। खैर तुम लोगों को पता है कि अभी अरूब मामा और बाबा ने जो है हमारी ये वाली लुक नहीं देखी। ओए 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 ओए, बाबा तो मुझे कबूल ही नहीं करेंगे ना, वो तो कहेंगे कि भाई आप घर छोड़ के चले जाओ, पुलिस बुला लेंगे वो। और अरूब ने भी आज शाम को वापस आना, शायद हफ्ते के लिए चले जाए कहीं पे। बाकी कल जो है मैं कमरे में अकेला था तो तुम लोग देख सकते हो कितना साफ सुथरा सफाई पसंद आदमी हूँ मैं। साफ सुथरा कमरा रखने वाला, ठीक है, हर चीज ऑर्गेनाइज, बेडशीट ऑर्गेनाइज, हर चीज अपनी जगह पे, वैक्यूम क्लीनर अपनी जगह पे, हर चीज जो है ऑर्गेनाइज रखने वाला इंसान हूँ मैं। चुप कर बे कुत्ते। भाई जब अरूप घर नहीं होती ना तो कमरा साफ करने का दिल नहीं करता यार। पूछा मैंने कुछ। कल जो है ना मैं इसी कमरे में बांध रहा हूँ और अब फाइनली जो है मामा बाबा को जो है ना मुंह दिखाते हैं अपना। मास्क पहन लेते हैं, अचानक उतारेंगे। कैसा रहेगा उनका वैसे? पागल हो गए, तरह निकलेगी भाई। इधर ही बैठे। लेट्स गो भाई। ये कौन है? ड्राई दिया मुझे। ये देखे वो शक्ल चेंज हो गई, टोटली चेंज। बाहर जाओगे कोविड होंगे मारेंगे। ये कल ऊपर बड़ा रोला डला हुआ था कि बच्चे ऊपर क्या खा रहे हैं। प्लेन ही आपने प्लॉट बना लिया सैटरडे मान। इतना भी क्या 6 मिलियन का जोश चढ़ गया, अपनी दाढ़ी रहने देते, अपने आधा सर रहने देते। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा हो गया। सारे आपको टकला कहेंगे। मैंने तो पहचाना ही नहीं और मैं सोच भी नहीं सकती थी ये कर लेगा। वैसे आपने अच्छा नहीं किया साथ, टिंडू लग रहे बिल्कुल, जो हम सब्जी पकाते हैं टिंडे वाली। सर के बाल कटवा लेते, छोटे करा लेते, छोटी मशीन मार लेते, निकलो बाहर यहाँ से, कितना गंदा सा लग रहा है। पूछ के किया करो ये क्या हाल बना रही है। वैसे मुझे ऐसी हवा लग रही है जिंदगी मुझे कभी नहीं लगी यहाँ। यहाँ पे कोई इंसानों वाले काम किया करो, जुए पड़ गई थी, इस पे हमने रोटियां लगाया करनी। अंडा फ्राई करेंगे। डेयर मिला है ना तो मैंने कहा डेयर मिला दिया है, मैंने कहा वो काफी देर से इधर जो फॉलोअर कहे हुई, कल कोई कहे कोई में छलांग मार दो, आपको छलांग मार दो। हां बाल तो अभी 2 महीने की, दाढ़ी तो 5 महीने 5 दिन में आ जाएगी। अब जो आलू जैसी शक्ल बन गई हो, जैसे बाल उगा है ना फिर सामने आ रहा। हां निकल जाओ भाई यहां से अभी। टोपी पहनो, आप जरा बस फ्रंट लगाओगे बाल उगा जल्दी नहीं उगते। हां जी टोपी पहनो बेटे, आप अपनी बस टोपी के बगैर ना रहना। चलो गया निकल। A few inches later, उसको बाहर रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ 2 मिनट आ रहा हूँ बस। भाई अरूब आ गई है, भाई अरूब आ गई है, उसका तरह निकल जाना है। टोपी पहन लेते हैं भाई। प्रैंक हो गया भाई। अभी तो एक हिस्सा बाकी है। मैं वापस जा रही हूँ। तुमने क्या किया खुद के साथ? अस्तगफुरुल्लाह।
तुमने क्यों किया? शुगर मेला होता है, शुगर मेला यार, वो बोला हुआ था ना वो 6 मिलियन का, वो तो करना ही था ना। अब रोई जा रही हो, इसमें रोने वाली कौन सी बात है भाई? परेशान हो गई है, सदमे में चली गई है। अरूप शुगर मेला लिया करो यार, अभी तो मैंने प्लान किया था कि 7 मिलियन सब्सक्राइबर पे तुम्हारी टिंड कर देंगे ना फिर। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं यहाँ पर रुक रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी इस हालत को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। कोई और ही जगह होती ना तो मैं छोड़ के चली जाती। सही साफ है अरूप, कल शेव करनी ही ना यहाँ पे यार, तुम परेशान है से उड़ी हो, शेव करेंगे तो बाल तो नीचे गिरेंगे ना यार। क्या एक दिन मैं गिले में गई थी, तुमने घर का क्या हाल किया है साथ, और अपना भी। वैसे टोपी में थोड़ी बेहतर लग रही हो, दिखाओ जरा, हटाओ ना नहीं। Oh my God. Oh, mama. मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, हंसी आ रही है, सब कुछ आ रहा है साथ। मैं करा रही हूँ उबर, मैं निकल रही हूँ। अरूप क्यों यार, अरूप उबर तो रहने दो, मैं तुम्हें, अरूप मैं तुम्हें खुद छोड़ाता हूँ ना यार। अरूप जहाँ भी जाना मैं तुम्हें खुद छोड़ाता हूँ। तुम मेरे से दूर, अरूप मैं सेम बंदा हूँ, बस सिर्फ बाल नहीं है, वो आ जाएंगे वापस। तुम्हें क्या हुआ भाई? अरूप मैं सेम बंदा हूँ भाई। ये वो बंदा नहीं जिसे मैंने गाना पसंद किया, मैंने क्या किया? आप तो से मिलती नहीं, मैं रहती हूँ। लाइट की जरूरत नहीं, टिंड चमका करेगी ना। मेरा ख्याल था मजाक कर रहा हूँ। बहुत गुस्सा चढ़ा आपको पता है। दुबई जाओ, दुबई प्लीज जाओ। एक महीने बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। सी यू, मैं आपको टिकट करा दूंगी। जब तक ऐसे बाल नहीं आते, दाढ़ी नहीं आती, हमसे नहीं लगाती। एक टिंड क्लीन शेव, सारी दुनिया क्लीन शेव करवाती है, मैंने करवा ली तो फिर डिसोन करने पे आ गए हैं आप लोग। हैं मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। खबरदार तुम्हें पास है। और दूसरी ये बात, मैंने तुम्हें ये बात हमेशा से समझाई कि मुझे क्लीन शेव लड़के गे लगते हैं, तुमने फिर भी वो चीज की। तुम्हें पता था मैंने तुम्हें समझाई ये बात कभी जिंदगी में क्लीन शेव। और देखो तुम भी तो क्लीन शेव हो, इसका मतलब है कि तुम गे हो। अरूप वो अपना मूंछ भी तो छुपाना है ना यार, ये मैं कल ही लेके आया हूँ भाई, पूरी कलेक्शन करने थे जिसे मूंछ पाना पड़े। बात तो सही है। ये देखो, ये मैंने टोपी पहन ली ठीक है, उसके बाद ये मैंने मास्क पहन लिया, और ये पहन ली ऐनक। अब बताओ भाई लेवल नहीं हो गया? स्पाइडरमैन, देखो तुम्हारा शोर स्पाइडरमैन है भाई। बताओ अब तो लेवल लग रहा हूँ ना, ऐसे घूम लेंगे ना 3-4 दिन जब तक दाढ़ी नहीं आती। मैं भी परेशान हो गई हूँ, तुम तो घर छोड़ने भी आ गई हो यार। अरूप भाई कोई बात नहीं, अरूप को लुक बहुत ज्यादा पसंद आई है ठीक है, कह रही है बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने शादी पे जाना था, मैं तुम्हें साथ लेके जाना था, अब तुम घर बैठोगे। अरूप ये मेरा तुम्हारी दोस्तों की शादी पे ना जाने का बहाना था। सही खेल गया यार, सबको टेंट दिखा दिया ठीक है, परेशान हो गए सब यार। लेकिन कोई नहीं, दाढ़ी को निकलने में जो है ना अब कम से कम लगेंगे 5 दिन, टेंट जो है ना वो उगती रहेगी, बाद में 2 महीने लगेंगे टोटल। और हमारी जो है ऑडी ईट्रॉन भी रेडी हो गई है, वो हमें कल पिक करने जाने। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टक्की भाई ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना भाई, लाजमी भाई। टेंट वाला शुगर मेला साइड पे रखते हैं। थैंक यू सो मच कि तुम सारों ने जो है सब्सक्राइब किया, 6 मिलियन तक तुम लोगों ने अपने भाई को पहुंचाया, आई लव यू हो गया भाई। इंशाल्लाह ऐसे हम लोग शुगर मेला लगाते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टक्की भाई ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओ आप।